हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो रैली कंडक्ट कराया जा रहा है वो कितने तारीख को होने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या होगा एंड जो भी इसके रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन अप्लाई करेगा, एज लिमिट क्या है एंड पूरा ए टू जेड डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाला है वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका डाउट बना रहेगा। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो वहाँ पे ऐड हो जाए। कोई भी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए, आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रैली कंडक्ट कराया जा रहा है, कौन कौन अप्लाई करेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एज लिमिट। एज लिमिट क्या होने वाला है, तो एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 से 14 साल के बच्चे जो है वही अप्लाई कर पाएंगे। मतलब क्या 11 से 14 साल, आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। जी हाँ, सही मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ। 11 से 14 साल के बच्चे और जिनका एज 1 अक्टूबर 2023 तक 11 साल हो जाना चाहिए एंड जिनका जन्म हुआ हो 1 अक्टूबर 2009 से लेकर 30 सितंबर 2012 के बीच में, जिसका भी जन्म हुआ है वही इसमें एलिजिबल होंगे, बाकी लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, हाइट जो मांगा गया है इसमें 153 सेंटीमीटर मांगा गया है, वो देख लीजिए आप 153 सेंटीमीटर। ओके, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे ये क्या बता रहे हैं, तो पूरा सुनिए। एलिजिबिलिटी जो होने वाला है, जो बच्चे 7th class, 8th class and 9th class, मतलब कि 7th, 8th, 9th में अभी पढ़ रहे हैं, पास नहीं हुए हैं, पढ़ रहे हैं, वही एलिजिबल है यहाँ पे। ओके, जो बच्चे 7th class में पढ़ रहे हैं, 8th class में पढ़ रहे हैं, 9th class में पढ़ रहे हैं, वही लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ये बता रहे हैं, ये स्पोर्ट्स का जो है वो बॉयज़ के लिए निकाला गया है, स्पोर्ट्स रैली कंडक्ट कराया जा रहा है कि इसमें कौन कौन भाग लेगा जो सिर्फ 7th class, 8th class, 9th class में पढ़ रहा है। ओके, और 153 सेंटीमीटर हाइट हो, एज लिमिट 1 अक्टूबर 2009 से 30 सितंबर 2012 के बीच में होना चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, वेन्यू कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको जाना कहाँ पे है भाई साहब, ये रैली के इसमें फॉर्म कोई भरा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा, डायरेक्ट आपको रैली है, डायरेक्ट आपको पहुँचना है डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ में, अपने सर्टिफिकेट वगैरह के साथ में। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे वेन्यू कहाँ है, तो ENITI एंट्री गेट एयरफोर्स स्टेशन जलाहली ईस्ट बेंगलुरु यहाँ पे, और ये पिन कोड है 560013। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ENITI एंट्री गेट एयरफोर्स स्टेशन जलाहली ईस्ट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, और ये है कहाँ पे भाई साहब, तो बेंगलुरु में, तो यहाँ पे आपको पहुँचना होगा। ओके, चलिए अब हम आपको डेट वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे कि कितने तारीख को जाना है, कितने तारीख को नहीं जाना, राइट। तो ये आपने समझ लिया, ये एड्रेस नोट कर लीजिए आप लोग। सेकेंड, यहाँ पे 5 नंबर चीज डिस्कस क्या करेंगे, कौन कौन जो है स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स जो बॉयज है वो एलिजिबल है, मतलब कि कौन कौन से स्पोर्ट्स इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहला बात कर ले बॉक्सिंग, जो भी बच्चे बॉक्सिंग वगैरह कर, बॉक्सिंग 43 से 50 kg, मतलब 43 से 50 kg वाले जो होंगे, 58 से 64 kg, 65 से 70 kg, 71 से 75 kg कैटेगरी होता है ना बॉक्सिंग में, तो वही वाला है ये। उसके बाद रेसलिंग की बात कर ले, फ्री स्टाइल में 41 से 45, 46 से 50, 57 और 58 से 63 और 64 से 70 kg वाले लोग इसमें शामिल, मतलब ये कैटेगरी है आपका 41 से 45 kg कैटेगरी में कौन कौन आता है, तो वो उसके हिसाब से, राइट। उसके बाद ग्रेको रोमन जो है इसमें, ये रेसलिंग का ही पार्ट है, 41 से 45 kg, 46 से 50, 51 से 57 और 58 से 63 kg वर्ग में जो भी आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करें, रिपोर्टिंग डेट कितने तारीख को आपको पहुँचना है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो अगर जाना चाहते हैं, एयरफोर्स की तरफ से ये कंडक्ट कराया जा रहा है, चलिए जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट जो होने वाला है आपका, जो लोग बॉक्सिंग से, जो बॉक्सिंग से हैं वो आपको 7 अगस्त 2023 को पहुँचेंगे, सुबह में 8:30 का टाइम दे रखा है, लेकिन आपको पहुँच जाना है 8 बजे। ओके, कितने बजे, 8 बजे आपको पहुँच जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बॉक्सिंग वाले 7 अगस्त को जाएंगे, और जो रेसलिंग से संबंधित है, रेसलिंग वगैरह करते हैं, तो 9 अगस्त को जाएंगे, 9 अगस्त 2023, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में आपका बुलाया जाएगा, और 8:30 बजे यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है, आपको पहुँचना है
8 बजे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि बॉक्सिंग वाले 7 अगस्त को जाएंगे और रेसलिंग वाले 9 अगस्त को। जो भी बॉयज़ इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉयज़ हैं, वो आपको यहाँ पे ये लिमिट आपको बता ही दिया, जो कि 7, 8, 9 में पढ़ने चाहिए। चल, अब जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपका। क्या होना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा एकेडमिक सर्टिफिकेट। एकेडमिक सर्टिफिकेट क्या होता है? जो आप स्कूल वगैरह में पार्टिसिपेट किए होंगे या फिर तो वही आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट होता है। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिस भी स्पोर्ट्स, मान लीजिए बॉक्सिंग करते हैं या फिर रेसलिंग करते हैं, इसका सर्टिफिकेट भी होता है, जैसे 10th 12th का मार्कशीट वगैरह होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और साथ में 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका भी आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट वही होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए, और इसमें ये सारा कुछ कंडक्ट हो गया, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। अब क्या डिस्कस करेंगे? ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। बाकी कोई भी आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग, इस रैली के रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 7563830146। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये आपको नोट कर लेना है। राइट, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दिया, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी इस भर्ती में और जो भी लोग स्कूल लेवल पे, इंटर लेवल पे या फिर आप जो जूनियर टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट किए हैं या फिर तो नेशनल लेवल पे अगर पार्टिसिपेट किए हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ मांगा का नहीं गया है नेशनल वगैरह का सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी है स्पेशली ये बॉयज़ के लिए है जो 7, 8, 9 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड कोई भी इस रैली के रिगार्डिंग आपको डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आज कीजिएगा, फिर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे रखा है, आप हमें मैसेज जरूर कर लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। एंड अदर कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट जॉब लेटेस्ट अपडेट के रिगार्डिंग, कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आपका पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सअप नंबर पर ही मैसेज कर सकते हैं, 100% आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पर अपडेट करते रहते हैं, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचे रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।